यह क्या हो गया हमारे पाटलिपुत्र को? यूं लगता है किसी का घोर श्राप लगा हो। कोई उम्मीद की किरण भी तो नजर नहीं आती। अब कौन हमें इस नरक से मुक्ति दिलाएगा? हे भगवान। काना तुझे खोज रहा है। काना? हाँ? कैसी मुश्किल? तुम ठीक तो हो ना काना? मैं ठीक हूँ भीम, पर वहाँ पाटलिपुत्र में सब ठीक नहीं है। लोग बहुत मुसीबत में हैं। उन्हें बचाने के लिए तुम मेरी सहायता करोगे? दोस्त इस तरह पूछते नहीं हैं। हक से बोलते हैं। पाटलिपुत्र ढोलकपुर की दाईं ओर स्थित एक बड़ा पुराना राज्य है। हम शाम तक वहां पहुंच जाएंगे। सुनिए, भाग जाओ, चले जाओ यहां से। हाँ? कोई है? इनसे निपटने की सोचो। परंतु ये सब शुरू कैसे हुआ? ये तो कोई नहीं जानता। एक दिन महाराज और महारानी अचानक ही राजमहल से गायब हो गए, और उसी दिन से ये श्राप भी शुरू हो गया है। सब भाग क्यों रहे हैं? महाराज और महारानी के जाने के बाद दोनों राजकुमार और राजकुमारी बहुत क्रूर और क्रोधी बन गए हैं। हम प्रजा की तो एक नहीं सुनते, कोई उनके सामने भी नहीं आना चाहता। आपके लिए राजमहल से संदेश है।
काला छाया किरमाड़ा सिर पे मंडराया। चिंता में छोटा भीम आया, भाई से सबका मन घबराया। पूरी करने को तृष्णा आ जाते हैं कृष्णा। छोटा भीम और कृष्णा, छोटा भीम, छोटा भीम और कृष्णा, छोटा भीम। खुश है मन ही मन के अंदर, चुटकी राजू जग्गू बंदर। छोटा भीम का साथ निभाए, रूप बदल कर काना आए।